जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों, आज का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ हीटेड डिबेट यूट्यूब चैनल से। और इस चैनल के लोग जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखा डिबेट विद साइंस जर्नी फैन ऑन भगवत गीता, तो डिबेट ऑन साइंस जर्नी नहीं है, उसका नाम है झंडू जर्नी चटनी, ठीक है। तो चटनी के फैन यहाँ पर आए होंगे भगवत गीता 4:13 के ऊपर वो डिबेट करने के लिए, और इनको क्या जवाब दिया जाता है वो इस वीडियो में सुनेंगे। वीडियो लगाता हूँ मैं स्क्रीन पर, वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू अपने विचार जरूर बताऊंगा। और ये जो चैनल्स हैं जो सनातनियों के चैनल हैं, इन चैनल्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए। जितना सहयोग आप एक्स मुस्लिम्स के चैनल पर करते हो जाग जा के घूम घूम के वहाँ पर, लेकिन अपने सनातनी चैनलों को आप भूल जाते हो, तो आपको सपोर्ट करना है इन सनातनी चैनलों को। वीडियो लगाता हूं मैं स्क्रीन पर, और आने वाले टाइम में मैं अभी बहुत कुछ आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं कुछ बैकएंड पे रिसर्च कर रहा हूं, उस चक्कर में वीडियो भी नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि जब आपको किसी चीज की जानकारी मिलती है तो आप उसके पीछे जाते हो, उस जानकारी को इकट्ठा करने में टाइम लगता है, तो वो जैसी जानकारी मेरे पास इकट्ठी हो जाएगी तो फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपकी आंखें खुलेंगी। काफी चीजें जो पीछे चल रही हैं, बैकएंड पे चल रही हैं, धोखे हो रहे हैं, झूठ फैलाए जा रहे हैं बहुत सारे। और हिंट थोड़ा सा दे देता हूँ कि कुछ लोग नकली एक्स मुस्लिम बन के भी घूम रहे हैं। तो पहले ये वीडियो देख लेते हैं और वीडियो के एंड में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो लगाता हूँ मैं स्क्रीन पर। अबे सुवर, तुम्ही बोल रहा था, तुम्ही बार बार मुझसे पूछ रहा था कि पहले बैंग बिग बैंग पढ़ के आ, पर कह रहा था कि बिग बैंग पढ़ के गाली गलौज करोगे तो क्या मतलब है, गाली गलौज चढ़े क्या? वो मुझे बार बार पूछ रहा था कि बिग बैंग बताओ, कोई कोई ठीक है बताओ, क्या क्या आप कह रहे थे कि क्या वो एसजे गलत बोल रहा था? एसजे गलत ये बोल रहे थे, तुमने स्ट्रीम देखी? कहां से स्ट्रीम देखी है? एसजे का मैं स्ट्रीम देखता हूं हमेशा। तो आज हमारी स्ट्रीम देखी है तो इससे प्रश्न आ गया। आप तो कई बता रहे थे, आप कौन विषय में स्ट्रीम है, किस बारे में स्ट्रीम है, टॉपिक पता नहीं है, झगड़ा करने आए हो क्या? सब पता है। क्या पता है? किस विषय में स्ट्रीम है आज? वर्ड कह रहे हो कि कर्म से होता है, और एसजे है वो प्रूफ के साथ दिखाया है कि वर्ड जो होता है वो जन्म से होता है। प्रूफ लेते आइए, आप हमारे सामने लेते आइए भाई, हम भी देख लें कौन से प्रूफ दिखा रहे थे। प्रूफ नहीं है ना, हम जो प्रूफ दिखा रहे हैं उसको तो भैया आदमी के कर्मों के अनुसार, रुकिए पहले मैं बता रहा हूँ, आदमी के कर्मों के अनुसार सत्व रज और तम तीन गुण होते, उसमें अधिकता या न्यूनता होती है। हाँ, उसके अनुसार हाँ, उसका अगला जन्म होता है, जो सत्व गुण का अधिकता रहेगा तो उसका जन्म ब्राह्मण में होगा। हाँ, हाँ, रज सत्व और रज रहेगा तो वो क्षत्रिय में होगा, और हाँ, तम गुण तम और रज रहेगा तो वो वैश्य होगा, और बस तम गुण रहेगा तो वो शुद्ध होगा। और ये कहाँ पढ़ा है? गीता में लिखा है ये। दिखाइए, खोलिए, दिखाइए, 13वां अध्याय का 13वां खोलिए, गीता प्रेस वाला। अबे चतुर्वर्णम माया सिस्टम गुण कर्म विभागशा, ये वाला दिखा रहे हो तुम? अरे मूर्ख, ये देख, खोलिए। हाँ दिखा रहे, ये बताइए कि मैं इसको डायरेक्ट कट करके करूंगा तो ये बंद हो जाएगा? जो गलत 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 दे दिया मैंने, रुक जाओ, मैं खुद ओपन कर दे रहा हूँ, सॉरी। मैं दिखा रहा हूँ ये देखो, चलो मैं तुमको डायरेक्ट संस्कृत बता दे रहा हूँ ना बेटा, तुमको ट्रांसलेशन में टेंशन लेने की क्या जरूरत, मैं भी दिखाऊंगा इसके बाद। हाँ दिखाओ, कोई नहीं, तुम स्क्रीन शेयर कर लो। ये गीता प्रेस वाला है? गीता प्रेस वाला नहीं है, तुमको भाई संस्कृत दिखा रहे हैं, तुमको किसी ट्रांसलेशन से क्या लेना है? गीता प्रेस वाला दिखाइए, रुक जाओ, चलो तुम्हारे लिए गीता प्रेस वाला भी खोल देते हैं। नरुटो तब तक गीता प्रेस वाला खोलो, भाई साहब के लिए आप देख लेते, सॉरी मेरे पास अभी अवेलेबल, ठीक है? जो ऑडियंस में कोई भी गीता प्रेस वाला खोल सके वो ओपन कर ले, ठीक है? हाँ यही है भाई, यही है, यही वाला ट्रांसलेशन, लो ध्यान से देखो। वो गीता प्रेस वाला चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग शातस्य कर्तार मापी मा वृद्धया कर्तार वयमायम, लो बताओ क्या दिक्कत है? उसमें कह रहे हैं कि आपके कर्मों के अनुसार अगले जन्म में आपका वर्ण निश्चित होगा। नहीं मेरा भाई, कर्मों के अनुसार अगले जन्म में निश्चित होगा ये चीज नहीं लिखी गई है, लिखा गया है कि अगर आपके गुण में, ईश्वर वैसे ही करते हैं, हम बता रहे हैं आप। चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्मणा विभागशः, चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्मणा विभागशः, चार वर्णों का विभाजन मेरे ही द्वारा गुण और कर्म के द्वारा किया गया है। और ये कहते हैं कि जी पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार किया गया है, पागल है क्या? उस सामने अंधा भी अगर कोई जो नॉर्मल 5वीं क्लास का संस्कृत पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो भी इस बात को समझ लेगा कि इसका मतलब क्या है, चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्मणा विभागशः। और ये तभी कहते हैं कि नवबोध बनने की सबसे पहली कंडीशन है कि आपको अपनी बुद्धि को ब्लॉक कर लेना है, आप एक
अनपढ़ होने चाहिए, मतलब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होने चाहिए, छोटा मोटा पढ़ा लिखा चलेगा, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होने चाहिए, ये है नवबौद्ध बनने की कंडीशंस। तो वो कंडीशन इन्होंने पार करी है, तभी तो दिमाग चलता नहीं है इनका। विटामिन प्रोटीन साहब हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपके गुणों में रजोगुण ज्यादा है तो आप क्षत्रिय या वैश्य बनेंगे, अगर आपके गुण में सत्व गुण ज्यादा है, गुणों में सत्व गुण ज्यादा है तो आप ब्राह्मण बनेंगे, अगर तमो गुण ज्यादा है तो आप शूद्र बनेंगे। इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं आपको महाभारत के श्लोक दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, देखते जाओ। वो छोड़िए, पहले ये बताइए कि वो लिखा है सृष्टि के रचना करते समय, सृष्टि मत नहीं करते समय वो कहे, उसके बाद नहीं कहे हैं, उसको उससे पहले कहे हैं। अच्छा रुको, तुमको दिखा रहे हैं, हम तुमको क्लियर कर दे रहे हैं ना, ताकि तुम्हारी वाली बात जो है, हमने तुम्हारा वाला श्लोक खोल लिया, हम तुमको क्लैरिफाई कर दे रहे हैं इसको। तुम इसका समय दोगे बेटे? मैंने ये बताइए कि मैं डायरेक्ट काट कर बुलाऊंगा तो वो एंड हो जाएगा कि चलता रहेगा बैक में? तुम क्या करो, सुनो, तुम पहले तो अपना ये वाला जो फोन से जुड़े हुए हो, मोबाइल से है, हाँ फोन से जुड़े हो ना, तो फोन से क्या करो कि पहले तो इसको गूगल क्रोम में खोल लो, और दूसरा वाला जो टैब खोलना वो दूसरे टैब में खोलना, ठीक है? नहीं नहीं, मैं वो पीडीएफ रखा हूँ वहाँ से जाकर लाऊंगा। तो बाबू फिर तुम कंप्यूटर से जुड़ जाओ, ठीक है? नहीं तो वो कंप्यूटर थोड़े है पास। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, हाँ तुम यकीन करो ये वाले जो क्वेश्चन आता है, इस वाले को उन्होंने 50-100 बार आंसर किया। बताइए इसमें क्या कहा है, इसमें जो आप कह रहे हैं उसमें क्या कहा है? इसमें कहा गया माया सिस्टम, मैंने अपनी माया से चारों वर्णों का की रचना की है, मैंने अपनी माया से चार वर्णों की रचना की है, उनमें से हाँ वो गुण और कर्म पे आधारित हैं, समझ रहे हो? हाँ बोलिए। हाँ, ये जो वर्ण व्यवस्था है वो आदिकाल से है, ये वर्ण व्यवस्था तुम चाहो ना चाहो हमेशा रहेगी ही रहेगी। अगर तुम यूएस में भी चले जाते हो तो जो पढ़ाने वाला है वो टीचर ही है, अगर जो लड़ने वाला है वो सोल्जर ही है, जो कर्म करने वाला है, जो समाज के लिए कार्य करने वाला है, सेवा करने वाला है, वो शूद्र ही है। और वर्ण व्यवस्था में ये भी आचरण तुमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि जो सबसे ज्यादा पढ़ लिख गया है वही ब्राह्मण के कर्म कर रहा होगा, वही टीचर बनेगा, वही प्रोफेसर बनेगा। तुम अगर व्यवसाय में जाओगे, तुम बीटेक कर लोगे तो व्यवसायी बनोगे, साइंसेस में पीएचडी कर लोगे तब तुम ब्राह्मण कर्म करोगे, तब तुम पढ़ाने वाले बनोगे। कर्म क्या ईश्वर बताइए आपके अनुसार कर्म पर निर्धारित है पूरी तरह से एकदम? हाँ बिल्कुल, कर्म पर निर्धारित है। मैं तुमको तुम जिस महाभारत से गीता दिखा रहे हो उनको महाभारत का श्लोक दिखाते रहे, मुझे एक का समय तो बस। आपके अनुसार पूर्व जन्म से इसका मतलब नहीं है? नहीं, पूर्व जन्म से इसका मतलब है, हम तुमको बताते हैं कैसे। तुम इतना पहले ये वाला क्लियर कर लो, ये वाला दिख रहा है विटामिन? गीता प्रेस का क्या नाम बताया, क्या बताया था आपने, कौन सा? सत्यम दानम क्षमा शील मान निरशस्य तपो घृणा, ये दृश्यते यत्र। पढ़ो जरा इसको, विटामिन प्रोटीन क्या लिखा है? नागेंद्र साब्रह्म नागराज, जिसमें सत्य दान क्षमा सुशीलता क्रूरता का अभाव तपस्या और दया से सद्गुण दिखाई देते हैं, यही ब्राह्मण कहा गया है। तो यही है, ये तो इसमें तो क्लियर है कि ब्राह्मण पता है ना, विटामिन विटामिन सुनो, ये गुण है ना, इतना पता है ना कि महाभारत से ही गीता आई है। हाँ ठीक है गुड, ये वाला पढ़ लिया, क्या समझे इसे? इसका कहने का मतलब है कि जिसमें सत्य दान क्षमा सुशीलता और क्रूरता का अभाव है, यानी क्रूरता जिसमें नहीं है, तपस्या और दया से सद्गुण से जो युक्त है वही ब्राह्मण है। मतलब ब्राह्मण के लिए कह रहा है कि अगर वो कोई ब्राह्मण है, अगर उसमें ये गुण नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं है। लेकिन ये कहाँ लिखा है कहीं कि शूद्र ब्राह्मण बन जाएगा? अरे देखो अपने कर्म से, वो लिखा है मनुस्मृति 10:65 में, वो भी लिखा हुआ है गुण और कर्म चेंज करने से अगर किसी में ये लक्षण आ जाते हैं, मान लो कोई तुम बोलते हो कि ये सेवा वर्ग का बंदा है, ये शूद्र वर्ग का बंदा है, उस बंदे में अगर ये गुण आ जाते हैं, क्या गुण आ जाते हैं? सत्य दान क्षमा सुशीलता क्रूरता का अभाव तपस्या और दया, अगर ये उसमें आ जाते हैं और वो विद्या ग्रहण कर लेता है तो वो एक ब्राह्मण कहा जाए। इसके दो श्लोक बाद का ये श्लोक है, ठीक है इसको पढ़ो। यदि शूद्र में सत्य आदि उपयुक्त लक्षण है और ब्राह्मणों में नहीं है तो वह शूद्र शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं। सर्प जिसमें ये सत्य आदि लक्षण मौजूद हो वह ब्राह्मण माना गया है और जिसमें इन लक्षणों का अभाव हो उसे शूद्र कहना। तो आप ब्राह्मण को भी तब शूद्र कहेंगे? हाँ बिल्कुल कहेंगे यार, बिल्कुल कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? कहाँ लिखा है उसमें, दिखाइए। मैंने खोल दिया गीता प्रेस का, कोई कोई इशू नहीं, पहले ये वाला ओपन होने दो, ये वाला क्लियर हो, ठीक है? हाँ बताओ, फिर से पढ़ लो एक बार, बड़ा कर दे। इसमें कहाँ लिखा है कि ब्राह्मण शूद्र हो जाएगा? देखिए मित्र,
यदि शूद्र में सत्य आदि उपर्युक्त लक्षण हैं और ब्राह्मण में नहीं है तो वह शूद्र शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, ठीक है। और अगर ये लक्षण उसमें हैं, ये लक्षण किसी शूद्र में है मित्र, तो वो ब्राह्मण है जिसमें सत्य दान क्षमा सुशीलता क्रूरता का अभाव तपस्या और दया से सद्गुण दिखाई देते हैं, वही ब्राह्मण कहा गया है। अगर वो आगे वाला दिखाइए, बड़ा करिए, थोड़ा बड़ा करिए इसको, लो बड़ा कर, दिखाता है, ठीक है। यदि शूद्र में सत्य आदि उपयुक्त लक्षण है और वह ब्राह्मण में नहीं है तो वह शूद्र शूद्र नहीं है, वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। सर्प जिसमें सत्य यदि लक्षण मौजूद हो वह ब्राह्मण माना गया है, जिसमें इन लक्षणों का अभाव हो उसे शूद्र कहना चाहिए। ये बताइए कि इसमें कहां लिखा है कि शूद्र में वो ब्राह्मण हो जाएगा। बाबू ये वाली लाइन पढ़ो आगे, सर्प के आगे वाली बात पढ़ो, इसमें लिखा है कहीं, पढ़िए ना आगे, सर्प के आगे पढ़िए। सर्प जिसमें ये सत्य आदि लक्षण मौजूद हो वह ब्राह्मण माना गया है, तो अगर किसी में ये लक्षण मौजूद हैं तो वो ब्राह्मण है, समझ रहे मेरी बात। तुम्हारी दिक्कत ये है, उससे तुम्हारी दिक्कत नहीं है, तुम्हारे जैसे जो ब्राह्मण भी हैं, जो अपने वर्ण को अपने जन्म से मान के बैठ जाते हैं ना, ये तुम लोगों की प्रॉब्लम। ये बताइए कि ये इसमें तो पहले से ही इसमें पहले से ही लिखा है कि वह शूद्र है, उसमें पहले से लिखा है कि वह ब्राह्मण है, वह ब्राह्मण है तो उसको लिखा है कि वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, शूद्र शूद्र नहीं है। कुछ ऐसा है इसमें कि वो शूद्र ब्राह्मण बन जाएगा, इसमें कहां लिखा है? ये कहते हैं बुद्धि का अभाव, ये है बुद्धि का अभाव, नंद बुद्धि। शूद्र में सत्य आदि, अरे यदि लिखा हुआ है आपको समझ में नहीं आते हिंदी क्या? यदि आप जिसे शूद्र में कह रहे हैं, रुक जाओ, ये इसका क्वेश्चन वैलिड है, इसका क्वेश्चन वैलिड है, नरूटो तो नहीं, पर इसका क्वेश्चन सही है। अब नेट इशू हो रहा है आपका, आपका नेट इशू हो रहा है, आपकी आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही है। मेरी आवाज आ रही है नरूटो? नहीं आ रही है। आपकी क्लियर आ रही है? इनकी भी क्लियर आ रही है। ठीक है, तुम्हारे प्रॉब्लम आ रही है बेटे में, तुम्हारे नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। गीता प्रेस वाला दिखाइए वो राम। हाँ फिर से दिखा देते हैं, कोई नहीं, आप देखिए, आप 25 बार देखिए, और गीता इसी से आई है, इसी ग्रंथ से आई है, ठीक है। यही साइंस जर्नी खोल के नहीं दिखा रहा था ये, वो कभी दिखाएगा भी नहीं। हम खोल दे रहे हैं 21वां, और तुम जाके अपना गीता प्रेस में चेक कर लेना भैया, अगर हमारी बात में नहीं मानते हो। ये लो पढ़ो। चले गए क्या? कहाँ गया? चले गए। कहाँ गया भाई? डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट हो गया। तो आपने ये वीडियो देखा, इन साइंस जर्नी जैसे लोग जो हैं वो समाज को गलत मैसेज दे रहे हैं, वो समाज को गलत एजुकेशन दे रहे हैं, और इनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ सब मंदबुद्धियों को बौद्ध बनाना, मंदबुद्धि लोगों को बौद्ध बनाना। सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, नव बौद्धों की कंडीशंस भी यही है, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि उनको दिमाग नहीं लगाना, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होने चाहिए, थोड़े बहुत पढ़े लिखे चलेंगे बस, ज्यादा नहीं, जो ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं होना चाहिए, ये कंडीशंस है। लेकिन जब आप तर्क से लॉजिक से चीजों को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो वर्ण है वो कर्म से है, तो गुण कर्मणा विभागशः एक क्लियर डेफिनेशन मिल जाती है। और जैसा कि हीटेड डिबेट वाले जो पर्सन है उन्होंने भी खुद कहा कि आप किसी भी देश में चले जाओ, और उनका कहना बिल्कुल सही है, आप किसी भी जगह किसी भी देश किसी भी परिस्थिति में चले जाओ, आपको ये वर्ण हर जगह मिलेंगे। अमेरिका में भी आपको टीचर्स मिल जाएंगे, फौजी मिल जाएंगे, बिजनेसमैन मिल जाएंगे, और सेवा वर्ग सर्विस सेक्टर वाले लोग मिल जाएंगे जिनको के वेदों में शूद्र बोला गया। तो शूद्र कोई छोटा वर्ड नहीं है, और मैं तो कई बार कहता हूँ खुद को, मैं कहता हूँ मैं शूद्र हूँ, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। शूद्र का मतलब अछूत नहीं है। मेरे साथ कोई खाना खाए, मेरे साथ कोई खाना ना खाए, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मुझे आजकल कोरोना चल रहा है तो वैसे भी लोग एक दूसरे से दूर दूर बैठ रहे हैं, मुंह पे मास्क लगा कर चल रहे हैं, अभी फिर से मास्क लगाना कंपलसरी हो गया है, एक दूसरे को हाथ लगाना कंपलसरी नहीं है, हाथ मिला नहीं रहे हैं लोग, नमस्ते कर रहे हैं, कीटाणु इधर से उधर ना चले जाए, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन डेफिनेशंस को समझना जरूरी है। प्रोपोगंडा मत फैलाओ, प्रोपोगंडा जो है ना, झूठ कितना फैला दोगे एक ना एक दिन वो सच सामने आएगा, किसी दूसरी फॉर्म में आएगा, किसी अलग तरीके से सामने आएगा, लेकिन आएगा जरूर। और जब मैं उपनयन संस्कार के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे एक और चीज पता लगी कि जन्म से तो सारे ही शूद्र होते हैं, 9-10 साल की उम्र में जब उपनयन संस्कार होता है उसके बाद उनका द्विजन्म कहा गया है, तो द्विजन्म द्विजातीय जिसको भी बोला गया है कि दूसरा वर्ण में उसको जो है वो बनाया जाता है, उसके गुण और कर्म के हिसाब से उनको शिक्षाएं दी जाती हैं। ब्राह्मण अगर किसी को बनना है तो उसको ब्राह्मण की शिक्षा दी जाती है, क्षत्रिय, ये वैसे ही है जैसे आप एक अपना फील्ड चुन लेते हो, आप जैसे स्कूल में पढ़ते हो आप अपनी साइंस की फील्ड चुन लेते हो, आप अपनी कॉमर्स की फील्ड चूज कर लेते हो, आप आर्ट्स की फील्ड चूज कर लेते हो, आप अपनी रुचि के हिसाब से अपना टॉपिक चूज कर सकते हो, ये सेम वैसे ही है, ये सेम वैसे ही है दोस्तों, इसको समझने की जरूरत है। लेकिन
कि एसजे सर समाज को इतना भ्रमित कर रहे हैं और इतना गलत चीजें फैला रहे हैं, वो तो एक्सपोज धीरे धीरे हो ही रहे हैं और हो ही जाएंगे, पूरी तरह भी हो जाएंगे। और इनके जो, मैं तो ये मानता हूँ, जब तक इनके जो फॉलोअर है ना वो इस चीज को नहीं समझेंगे ना, तब तक ये एक्सपोज नहीं हुए हैं, समझो। जब तक इनके फॉलोअर, जो डाई हार्ड फॉलोअर है, वो ये चीज को नहीं समझेंगे कि भैया ये गुण और कर्म के हिसाब से विभाजन है और जातियां जो है सनातन ने नहीं बनाई, जातियां बनाई है समाज ने। वो सामाजिक कुरीति हो सकती है, उसको सुधारना है, लेकिन आपने क्या किया? जो सबसे बड़ी बात जो मुझे मेरे मन में हमेशा खटकती रहती है वो क्या है पता है? वो है कि आपने फॉर्म्स निकाले हैं, उन फॉर्म्स में एक कॉलम दे दिया कास्ट लिखो। क्यों भाई? तुम अगर इक्वालिटी चाहते थे तो तुमने वो कास्ट का कॉलम दिया ही क्यों, आरक्षण के लिए? ये देखो कितना बड़ा प्रोपोगंडा है यहाँ पर आरक्षण के लिए वो चीजें चलाई, लेकिन उस चीज से क्या कास्टिज्म बढ़ नहीं रहा है? हर चीज, हर सरकारी दफ्तर, हर जगह पे आपको ये कॉलम भरना पड़ेगा और आपको बार बार बोला जाएगा कि आप इस कास्ट के हो, आप इस कास्ट के। उससे क्या भेदभाव पैदा नहीं होगा? बेस्ट क्या है, वहाँ पर सिर्फ एक कॉलम दो इंडियंस, वहाँ पर एक कॉलम दो भारतीय, कास्ट का कॉलम हटा दो, ये भी रिलीजन का कॉलम भी हटा दो, तो कितना मजा आ जाए दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं किया जिन्होंने भी संविधान बनाया। संविधान सभा में 45% थे, मेंबर थे, उनमें से एक भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन इतना बड़ा चढ़ा के दिखा दिया गया कि बाबा साहब ने अंबेडकर ने संविधान बनाया, जबकि वो अंग्रेजों का जो था लॉ उसी को कॉपी कर दिया था हूबहू वहां से, लेकिन संविधान सभा थी, उन्होंने बनाया तो हम उसको मानेंगे, हम उस पे क्वेश्चन नहीं कर रहे। लेकिन किसी एक पर्सन को इतना बड़ा चढ़ा के बता देना भी ठीक नहीं है। तो दोस्तों इसके साथ वीडियो समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।